दोस्तों आज संडे का वार के पहले यहाँ पे खूब यहाँ पे रंग जमाया निशांत ने। जी हाँ दोस्तों, निशांत ने यहाँ पे मस्खरी की पूरे घर वालों के साथ। निशांत फिलहाल घर के एकमात्र ऐसे कंटेस्टेंट है जो कि सबसे बातचीत करते हैं, सबके साथ उनका व्यवहार काफ़ी मस्त मौला है। आज दोस्तों निशांत ने सभी कंटेस्टेंट की एक एक करके टांग खींची और उसकी शुरुआत की उन्होंने नेहा भसीन से और उन्हें कहा, है तो ये मक्खी लेकिन मधुमक्खी की रानी बनने की कोशिश करती है लेकिन इसमें दमखम है ही नहीं, बनती है गायिका लेकिन गेम में बिल्कुल जायका नहीं डालती। वहीं दोस्तों आगे उन्होंने दिव्या अग्रवाल की मस्ती की और दिव्या अग्रवाल को डायन कहा और कहा यह डायन स्टाइलिश तो है और कहती है कि ये है रियलिटी शो की रानी लेकिन बिग बॉस में इनका निकल गया पानी। इस प्रकार से दोस्तों निशांत ने मज़े लेने शुरू किए। फिर बारी आई दोस्तों यहाँ पे मिलिंद गाबा की, तो कहा कि इन्होंने अपने गानों से खूब को नचाया है लेकिन बिग बॉस में तो इन्होंने सिर्फ खुद को सुलाया है। ऐसे करके उन्होंने मिलिंद के भी मज़े लिए। फिर दोस्तों यहाँ पे उन्होंने टारगेट किया हमारी अक्षरा सिंह को। अक्षरा सिंह को टारगेट करते हुए कहा कि ये है हिंद भाषिनी जो कि हमें हिंदी का पाठ पढ़ाती है। उसके आगे दोस्तों निशांत कहते हैं कि अब इस घर में सब ने अपनी केंचली पहन ली है, तो अक्षरा यहाँ पे बीच में उन्हें टोकती है, बोलती है केंचली नहीं वो केचुई होती है जो कि सांप की स्किन होती है। तो यहाँ पे दोस्तों निशांत कहते हैं तभी तो मैंने तुम्हें हिंद भाषिनी कहा, तुम हमेशा हिंदी भाषा का ही प्रयोग करते हो। और अक्षरा ने भी यहाँ पे निशांत की खूब मज़े लिए और इन दोनों के बीच में मस्त हंसी मजाक होता हुआ दिखाई दिया। आखिर में स्मिता शेट्टी के साथ भी निशांत ने मस्ती की और कहा कि ये लड़की सिर्फ विग पहनना जानती है, पांचवें सप्ताह में इसकी 5 विग निकल जाएगी। तो निशांत का ये मस्त मौला अंदाज कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएँ। सब्सक्राइब करें खेलो खेलो।